त्रिस्तरीय चुनावों की नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन गोवर्धन ब्लॉक सभागार में नामांकन प्रक्रिया निर्धारित समय पर शुरू हुई। इस दौरान उपजिला अधिकारी राहुल यादव ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सुरक्षा की दृष्टि से भी सभी व्यवस्थाओं को परखा गया। उपजिला अधिकारी राहुल यादव ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दो दिन तक चलने वाली इस नामांकन प्रक्रिया में ब्लॉक पर पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। शांतिपूर्ण तरीके से नामांकन प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए पर्याप्त पुलिस बल भी लगाया गया है। लोगों से अपील की गई है कि कोरोना संक्रमण काल चल रहा है, ऐसे में अपने जीवन का ख्याल रखते हुए कोरोना संक्रमण से बचने के नियमों का पालन करें और भीड़ से बचें। पहले दिन नामांकन पत्र जमा कराने आए प्रधान और पंचायत सदस्यों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। नामांकन पत्र जमा कराने को लेकर लाइन में खड़े होने वाले उम्मीदवार कोविड 19 की गाइडलाइन का पालन करना ही भूल गए। उन्होंने मास्क तो लगा रखे थे लेकिन दो गज की दूरी नहीं बनाई। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है, काफी भीड़ हो रही है, गैप नहीं लगाया जा रहा है। आपको उन घरों का भ्रमण प्राथमिकता के आधार पर सर एक सवाल और है, कल संडे है सर, कल भी नामांकन होगा संडे के दिन? अच्छा, लॉकडाउन के लॉकडाउन भी है सर, कल उसका कोई असर नहीं पड़ेगा?